बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। जो हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स है ये 10 चैप्टर्स पे कंसिस्ट है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानते हैं कि पार्ट वन की फिजिक्स कैसी थी और सेकेंड ईयर की फिजिक्स कैसी है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे और उसको हम कैसे पढ़ते थे। अब जो पार्ट वन की फिजिक्स थी वो सिंपलेस्ट थी, वो क्लासिकल फिजिक्स थी, उसमें डेरिवेशंस बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, इसमें थ्योरेटिकल वर्क बहुत ज्यादा है, इसमें डेरिवेशन बहुत ज्यादा कम है, इसमें आपको बहुत ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी है। और जितनी ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ग्रिप अच्छी होगी आपकी, जितनी ज्यादा स्टडी करोगे उतना ज्यादा आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अदरवाइज बच्चे आप लोग लूज करोगे इसको, ये आप लोग के एक लेक्चर की डेफिशिएंसी आप लोग पूरी नहीं कर सकते। आपकी ये सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है उसका हर टॉपिक इंटरलिंक है, हर चैप्टर आपस में इंटरलिंक है। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। तो यहां पे देखें, सबसे पहले हमारे हाफ ऑफ चैप्टर्स जो होंगे वो चार्जेस से रिलेटेड होंगे। तो अगर हम सबसे पहले चार्ज की बात करें तो चार्ज टू टाइप्स का होता है, एक रेस्ट पे होता है और एक मोशन में होता है। जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो जो ब्रांच हम स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम इसमें चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, जो चार्जेस एट रेस्ट होते हैं उनकी जो डिस्कशन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में हम करेंगे। और इसमें हम बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन डिस्कवर करेंगे, हम कैपेसिटर्स की स्टडी करेंगे, इसमें उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में कवर करेंगे हम सब कुछ। उसके बाद जब चार्ज एट मोशन की बात करेंगे तो जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो हम चैप्टर 13 में डिस्कशन करेंगे कि हाउ वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, चैप्टर 13 में हम देखेंगे और उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि पावर कैसे डिलीवर होती है, पावर क्या होती है। उसके बाद हमें पता है कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही होती है या जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो इसके राउंड, इसके गिर्द आपके ये चार्जेस फ्लो करें तो इसके राउंड आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा। जब मैग्नेटिज्म आएगा तो जो उसकी स्टडी करनी हमने चार्जेस की इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और इसी का वाइस वर्सा कि अगर चार्जेस के फ्लो से मैग्नेटिज्म आ रहा है तो क्या मैग्नेटिज्म के मोशन से चार्जेस हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसका जो आंसर है वो चैप्टर 15 में देंगे। मैंने क्या कहा कि इस चैप्टर में हमने क्या किया, चैप्टर 14 में जब चार्जेस मोशन में थे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आई, लेकिन हम चैप्टर 15 में क्या देखेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्या उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, वो हम चैप्टर 15 में हम देखेंगे। उसके बाद पे हम आते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे। बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक होगा अल्टरनेटिंग जनरेटर, तो उसको हम लेके चलेंगे कि कैसे हमारी पोलैरिटीज चेंज होती हैं। हमें पता है करंट टू टाइप्स का होता है, या तो हमारे पास डायरेक्ट करंट या फिर अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग क्या होता है, जो अपना टाइम के लिहाज से पोलैरिटीज चेंज करता रहता है। पोलैरिटीज क्या होती हैं, प्लस माइनस साइन। जो करंट हमारे पास होता है वो इस टाइप का होता है, यहां पे पॉजिटिव है यहां पे नेगेटिव है, तो इसको हम कहेंगे ये अल्टरनेटिंग करंट है। अगर डायरेक्ट करंट होता तो डायरेक्ट करंट हमारे पास इस टाइप का होगा, इसकी पोलैरिटीज चेंज नहीं होती, तो हम वो चैप्टर 16 में करेंगे करंट अल्टरनेटिव करंट। यहां तक हमारे ये चार्जेस के चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स।
जो हम क्या हमारे पास स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, हम उसमें एनर्जी कैसे स्टोर करवा सकते हैं, कौन से हमारे पास सॉलिड्स कंडक्टर है, कौन से इंसुलेटर है, कौन से इन बिटवीन है, सेमी कंडक्टर्स हैं, तो जो उसकी सारी डिस्कशन होगी वो चैप्टर 17 में करेंगे। उसके बाद हम आएंगे चैप्टर 18 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये लॉजिक गेट से रिलेटेड होगा, हम कोई अपने सिग्नल एम्पलीफाई किस तरह से करवा सकते हैं, हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, अलार्म जो बनाते हैं या सिक्योरिटी सिस्टम के लिए कोई भी चीज बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होती है। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी, जब क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी, जब क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, कि यहां पे जाके अब लिमिटेड हो गई है फिजिक्स, तो वहां पे मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आया। लाइक हमने कहा कि लाइट पहले वेव नेचर थी, उसके बाद लाइट कुछ ऐसे फिनोमिना भी हुए जो लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल, तो जो उसकी एक्सप्लेनेशन थी वो मॉडर्न फिजिक्स में आई। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो निकल रही थी उसकी एक्सप्लेनेशन डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में बताई गई है, क्लासिकल फिजिक्स उसका आंसर ही नहीं दे पाई थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे पास फिनोमेना है जैसे लाइट बिहेव लाइक अ डुअल नेचर। उसके बाद सबसे अहम जो इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ वो ये था कि हमने बात की हुई है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है और मैटर एनर्जी में, यही है हमारे पास, इसको फिजिक्स की भी डेफिनेशन से रिलेट करते हैं कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने सारी जो क्लासिकल फिजिक्स थी या इससे पहले की फिजिक्स थी उसमें सिर्फ ये देखा कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एनर्जी भी मैटर में किस तरह से कन्वर्ट होती है, पेयर प्रोडक्शन, दो फोटॉन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है ये मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स हैं, ये इसका मतलब है गैमा फोटॉन्स एनर्जी हैं और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हमारे पास मटेरियल पार्टिकल है, तो एनर्जी कन्वर्ट होगी मैटर में। उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम आते हैं चैप्टर 20 पे। लाइक कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन या एटम है उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब उससे एक्साइट स्टेट में जाता है, जब वो डीएक्साइट होता है, जब वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो वो डिफरेंट किस्म की इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ एमिट करता है, तो वो डिफरेंट रीजन में लाई करती है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। इसी चैप्टर में हम लेजर के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेजर के बारे में। उसके बाद यहां पे हम बहुत अहम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और लेजर माइक्रोस्कोप, इसमें क्या फर्क होता है, मॉडर्न फिजिक्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम ये डिस्कस करेंगे। लास्ट वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस से रिलेटेड है कि हम कौन कौन से फिनोमिना यहां से डिस्कवर हुए, लाइक कौन कौन सी फंडामेंटल पार्टिकल्स थे जो यहां पे बने, न्यूक्लियस क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, इसमें ही हम देखेंगे न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडिएशंस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन लेंगे, रेडिएशंस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये काफी लेंथी चैप्टर होगा चैप्टर 21। तो आज बस हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम स्कीम ऑफ सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर 12 से आगाज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।